15 अगस्त तक प्रदेश के 8 जिलों में चलाया जा रहा है विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान। विदिशा, दमोह, बड़वानी, खंडवा, गुना, छतरपुर, राजगढ़ और सिंगरौली जिलों को किया गया है शामिल। अभियान के संचालन को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर और खंडवा के खालवा में 10 रुपए प्रति किलो की दर से तुअर दाल वितरण योजना का किया शुभारंभ। खंडवा के खालवा में 1700 करोड़ की सिंचाई योजना को किया मंजूर। 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना की जारी। हाईकोर्ट में नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी। अगले सप्ताह होगा नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह। मलेरिया के संक्रमण को रोकने और इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए धार जिले में किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। सांसद मीना वर्मा ने जिला मुख्यालय से मलेरिया रथ को किया रवाना। रैली निकालकर लोगों को मलेरिया से बचाव के तरीके के बारे में दी गई जानकारी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए आगामी 6 जून से पंजीयन होंगे शुरू। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 20 जून तक होंगे किसानों के पंजीयन। पंजीकृत किसानों के रकबे का सत्यापन करेगा राजस्व विभाग। संगठनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल प्रदेश में रही बेअसर। मंदसौर, हरदा, सागर, अनूपपुर सहित सभी जिलों में जनजीवन रहा सामान्य। फल, सब्जी, दूध सहित रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति रही निर्बाध। बुंदेलखंड अंचल में किसान के गांव बंद की अपील का नहीं दिखा असर। दूध, सब्जी और अन्य सामानों की नहीं रही किल्लत। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार को बताया किसान संवेदी। विपक्ष पर किसान को भड़काने का लगाया। गरीब वर्ग की महिलाओं और बच्चों को धुएं से मुक्ति दिलाने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का प्रदेश में बेहतरीन क्रियान्वयन। अब तक 36,20,000 से अधिक गैस कनेक्शन हुए वितरित। प्रदेश में 31 मई को आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 8,386 युवाओं का नौकरी के लिए हुआ चयन। भोपाल, होशंगाबाद और सीधी जिले में आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। अगस्त में होने वाले रोजगार पंचायत में 1 लाख से अधिक युवाओं को दिए जाएंगे लेटर ऑफ कंटेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई प्रधानमंत्री सड़कों की बारिश पूर्व रिपेयरिंग करने के लिए दिशा निर्देश जारी। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नितेश व्यास ने 15 जून तक अभियान को पूरा करने के लिए निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 का आयोजन रविवार 3 जून को 2 चरणों में आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भोपाल में बनाए गए 52 केंद्र, 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मॉटिस ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों पक्षों ने आपसी और वैश्विक हितों के सभी सुरक्षा मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने आपसी हितों की क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और अमेरिका की गहन साझेदारी की प्रशंसा की। सिंगापुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एनटीयू का किया दौरा। शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और युवाओं के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्टर टेक की उपाधि से किया गया सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा के बिछुआ विकासखंड के ग्राम जाखावाड़ी में आदिवासियों के साथ किया विचार विमर्श। अधिकारियों को रोजगार मेला लगाने के दिए निर्देश। कहा, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा सांस्कृतिक केंद्र। एक जून को भोपाल रियासत के विलीनीकरण दिवस पर राजधानी में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री ने बच्चों को वितरित की मिठाई। भोपाल की ऐतिहासिक विरासतों पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन।